सिंह का इतना बड़ा मोल्ड है जिसमें आईपैड भी आप पंच कर सकते हो। ये देख सकते हैं मोल्ड की साइज, ये यहाँ पे फिक्स होता है ऐसे। इसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ आईपैड की पंचिंग किस तरीके से होती है। स्क्रीन जो है इस पर हम आज पंचिंग करने वाले हैं। ये टच है इसका, और सबसे पहले आपको ये ओसीए जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। और ये लगेगा इस तरीके से। इसकी जजमेंट जो है आपको आनी चाहिए कि कहाँ से ये फिक्स करना है, नहीं तो आप फ्रेम में रख के भी इसे लगा सकते हो। इसको ऐसे हम सॉफ्ट मैट पे लगा देते हैं। और इसको जाने देते हैं ऐसे पंचिंग में। वैक्यूम होने देना इसको 10 से 15 सेकंड तक, ये जब 97-98 आ जाता है उसके बाद हमें पंचिंग करनी है। टेम्परेचर हमने रख दिया है 50, और ये मैन्यूअल मोड पे हम पंच कर रहे हैं। जितना ये सिलेंडर को नीचे लाएंगे उतना ये आएगा, जहाँ छोड़ देंगे वहाँ पे ये वहाँ ही रुक जाएगा। हमने सबसे पहले ये जो है ये स्क्रीन को सिर्फ टच किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने स्क्रीन को जो है टच किया है, पूरा पंच नहीं किया है। अभी रबर और इसके बीच में गैप है और हल्का सा ही हमें पंच करना होता है। ये हमने इतना पंच कर दिया, वैक्यूम बंद है और इसे अप कर दिया। ये डोर खुलेगा नहीं, इसे हमें ये रिलीज करना होगा। बहुत ही स्मूथ रिलीज होता है इसमें। ये आईपैड जो है हमारा लेमिनेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम बबल है इसमें, बहुत ही कम हल्के से बबल रहा है इसमें। ये जो बबल रिमूविंग में डालेंगे उसमें ये जो है वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से इसकी पंचिंग होती है दोस्तों।